बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। टू नाइट स्पेशल में खुश आमदी। स्टार्टिंग में जब मैंने कुकिंग सीखी तो मुझे मीठे चावल बनाना बिल्कुल भी नहीं आते थे। या तो वापस में जुड़ जाते थे या फिर वो रबड़ की तरह सख्त हो जाते थे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आपके चावल एकदम परफेक्ट और खिले खिले बनेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 500 ग्राम अच्छे क्वालिटी के सेला चावल लिए हैं। आपने कोई और चावल नहीं लेने क्योंकि सेला चावल बने ही मीठे चावलों के लिए हैं। इनको हम अच्छे से एक बार धो के कम से कम 2 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। और अगर आप इसे 4 या 6 घंटे भी भिगो के रखें तब भी आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। एक और सवाल कि चावलों में पानी कितना डालें। तो 1 गिलास मैंने यहाँ पे चावल के लिए हैं तो 3 गिलास में पानी के डाल रही हूँ। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन कम से कम 3 गुना ज़रूर डालें। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिया है जो कि ऑप्शनल है, आपको जो पसंद हो वो डालें और अगर नहीं डालना चाहती तो स्किप कर दें। इसके बिना भी चावल अच्छे बन जाते हैं। छुआरे चूँकि हार्ड होते हैं तो इनको हम चावलों के साथ ही बॉयल कर लेंगे। पानी में यहाँ पे अच्छा बॉयल आ चुका है तो अब हम चावल डाल देंगे जिनको भिगो के रखे हुए पूरे 6 घंटे हो चुके हैं। चावल पानी में डालने के बाद आपने किसी और काम में बिजी नहीं होना, आपने इसके पास बैठ के इसे कुक करना है हाई फ्लेम पे ताकि ऊपर वाले चावलों को भी सेम हीट मिले और इनमें एक अच्छा बॉयल बना रहे। हार्डली 5 मिनट कुक करने के बाद आपने चावलों को चेक करना है और चावलों को कितना कुक करना है। इस तरह हम बिरयानी में चावल बनाते हैं 70% या 80% तक। आपने जर्दा में चावलों को फुली कुक करना है तकरीबन 95-97% तक। जो थोड़ी सी कसर रह जाएगी वो दम में पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी आपको नहीं करना, बस चावल ईजली दब जाए तो आपने इसको स्टेन कर लेना है। जब तक चावल हमारे स्टेन होते हैं यहाँ पे मैंने 4 सब्ज़ इलायची ली है। इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इनको हम दरदरा सा पीस लेंगे। आधा किलो चावल में आधा पाव घी काफ़ी रहता है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं लेकिन अगर आप ज़्यादा चावल बना रही हैं तो आप आधा घी और आधा ऑयल डालें। और अगर आप चाहें तो सिर्फ ऑयल में भी बना सकते हैं क्योंकि ऑयल में पके हुए चावल ज़्यादा देर तक फ्रेश रहते हैं और इन्हें बार बार गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। ड्राई फ्रूट को यहाँ पे हमें तब तक पकाना है जब तक किशमिश अच्छे से फूल नहीं जाती। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैं गार्निश के लिए निकाल रही हूँ। बचे हुए ड्राई फ्रूट में मैं अब चीनी शामिल करने लगी हूँ। तो चावलों में चीनी कितनी डालनी है? मोस्टली चावल और चीनी की क्वांटिटी सेम रहती है लेकिन मैं यहाँ पे 1.5 गुना चीनी डाल रही हूँ क्योंकि हमारे घर में इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं किया जाता। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध। ये जो एक कॉमन शिकायत होती है ना कि चावल रबड़ की तरह सख्त क्यों हो जाते हैं, तो इसकी रीज़न सिर्फ ये है कि हम इनमें पानी डाल देते हैं। अगर आप इनमें दूध डालें तो चावल बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। चीनी मेल्ट हो चुकी है तो इसमें हम चावल डालेंगे। यहाँ पे बिगनर्स एक और गलती करते हैं कि चाशनी में देर तक चावलों को पकाते रहते हैं। तो आपने चावलों को पकाना नहीं है, जस्ट मिक्स करना है और इनको कवर करके छोड़ देना है तेज आंच पे जब तक इनका सारा मॉइस्चर एवापोरेट नहीं हो जाता। 5 मिनट के बाद चावलों में से ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इनको कवर कर देंगे दम लगा के। 10 मिनट का हम दम पे रखेंगे और अभी मैंने इसमें कलर शामिल नहीं किए। इसका एक रीज़न है जो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। अभी यहाँ पे मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ जो कि हमने पहले बचा के रखा था गार्निश के लिए। साथ में फूड कलर डाल रही हूँ जिसे मैंने पानी में घोला नहीं है कि ऑलरेडी इसमें इतना मॉइस्चर है कि ये भी पे कलर अच्छा सा आ जाएगा। और ग्रीन कलर आपने थोड़ा कम रखना है क्योंकि अगर इसे ज़्यादा क्वांटिटी में डाला जाए तो इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है। यहाँ पे मैंने 4 कलर यूज़ किए हैं, रेड, ग्रीन, येलो
और ऑरेंज। अगर आपके पास जेल कलर हो तो वो भी आपने एज इट शामिल कर देना है, पानी में घोलने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम दम पे रखेंगे दोबारा से 20 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैं आपको चावलों का रिजल्ट दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह चावल हमारे परफेक्टली कुक हुए हैं, और आप इनका कलर चेक करें, सभी चावलों पे अलग अलग सा कलर आया है। ये नहीं है एक दूसरे पे इनका कलर चढ़ जाए, और चावल नीचे से बिल्कुल भी लगे नहीं हैं, बिल्कुल सॉफ्ट चावल बने हैं, दाना दाना अलग है। अगर आपने मेरी तमाम टिप्स जो कि मैंने आपको वीडियो में बताई हैं अमल किया, तो इंशाल्लाह आपके चावल भी एग्जैक्ट इसी तरह बनेंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है सारा एक्सपीरियंस आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर दूं, ताकि आपके जरदा या मतंजन इसी तरह परफेक्ट बने और आपको दोबारा कोई और वीडियो देखनी ना पड़े। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। Stay healthy, keep smiling, and Allah Hafiz.